拜拜。ओ रे मैं इस रोड ओए नीचे उतर के देखे इस रोड से आए भाई कैसा फील हो रहा है यहाँ के कभी देखी है ऐसी पहाड़ी रोड देखी है जी आयो कभी चल गए कहाँ चार बार तो आ गया मैं अरे और अभी मैं आ चुका हूँ सिंगला पास पे जो कि पड़ता है भाई 13,300 फीट तो अभी हम आ चुके हैं सिरसिला टॉप पे जो कि पड़ता है 15,700 और अपनी गाड़ी ने अचीवमेंट कर ली है जाट से या सुनो जय श्री राम हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग नए दिन की शुरुआत हो चुकी है बड़ों को मेरा राम राम छोटू हेलो आई होप सभी बढ़िया हो गए मैं भी एकदम से चंगा एकदम बढ़िया मस्त और रात जहाँ से रुका था आज वहीं से व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रेडी हो गया हूँ मैं दोनों भाई नीचे पहुँच गए पूरा सामान लेके अपना बाकी मैं यहाँ पे लास्ट में निकलता हूँ के लास्ट फाइनल टेस्ट देखें कुछ रह तो नहीं गया क्योंकि हम लड़के हैं भैया ऐसे कर देते हैं कभी कभी हो जाता है कभी कभी हो जाता है तो भाई हम पहुंच चुके थे लास्ट नाइट निरख यानी पदम से निरख और भाई यहाँ लेवल कुछ अलग ही था लेवल ऑफ एडवेंचर ऐसा था ना कि ना जाने कैसा और यहाँ के जो लैंड मतलब लैंड्स थे यानी लैंडस्केप एक नंबर रात जो हुआ वो भाई अलग ही था मतलब लाइक मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ हुआ अरे नितिन भाई क्या करने लग गए रोज गाड़ी हो गई अपनी छाप यानी ऊपर सीसी से बाकी हल्का सा इधर मार दिया था और ये था अपना जहाँ पे हम रुके थे गेस्ट हाउस ये वाला रूम था अपना और इसे रुकना हो भाई यहाँ पर रुक जाना और ये रहा स्क्रीन शॉट ले लेना यहाँ से बोल बोल तो लगेगी नहीं जब आप पदम से नीरक आते हो ना पदम से नीरक यानी लेह की तरफ निकलोगे तब ये पड़ेगा मतलब लाइक ये ना इस गाँव का गाँव तो यहाँ पे इकलौता बढ़िया नया अभी बना है बाकी चलते हैं ठीक है जी ठीक है भैया बाय बाय हाँ भैया ठीक है बाय ठीक है अंकल बाय चलो जी गाड़ी गाड़ी कर दी थी वैसे कॉल्ड स्टार्ट चलो जी आज की राइड स्टार्ट करते हैं अपनी हर हर महादेव बोल दिया कर सत्यानाशियो भगवान का नाम ले लेना चाहिए घर वाले कह में हैं बाकी भाई आज मजा आने वाला है फिर से क्योंकि अब दिन में चलाने वाले हैं रात में भी मजा आया यहाँ पे चला के पर अब दिन में देखने को मिलेंगे ये मस्त मस्त से पहाड़ और मस्ती रोड है बाकी ये यहाँ पे जहाँ पे हम रुके थे यहाँ पे ना एक पुलिस वाले अंकल भी थे बहुत ही अच्छे किस्म के नेचर वाले थे मतलब लाइक घुल मिल के बात करने वाले और ऐसा था कि यही बता रहे थे कि अभी ना तुम जैसे आगे जाओगे तो रोड ना बहुत मस्त हो जाएगी आगे जाके तो आप 2.5 से 3 घंटे में पहुंच जाओगे बाकी आपके ऊपर होता है मतलब तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम कितनी अच्छी गड्डी चला रहे हो ठीक है जी बाकी अब तुम एंजॉय करते रहना क्या वो तो तुम्हें पता ही है ये पहाड़ देखो एक बार मतलब कैसे है यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं मतलब इनके छोटे छोटे घर भाई यहाँ पता चल रही है आगे के हाँ इतनी ऊंची पहाड़ है देखियो अभी आगे जब यहाँ पे आएगा ना ये मोड़ तब देखना कि क्या होगा देख नीचे से वहां से जब ट्रक चल रहे बाकी अब देखना और भाई शाबाश भाई दूसरे गियर में थी अभी बाकी नीचे तो एकदम और भी तगड़े तगड़े आए थे चढ़ाई जो थी ये थोड़ी सी हल्की थी अभी आएगी एकदम से ऊंची और तो एकदम कर्व वाले मोड़ आए थे एकदम यहाँ एकदम से मोड़ नहीं है और ना मुड़ी तो नीचे भाई शाबाश देख रही है यहाँ अब इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा इस रोड पे चला के कि कहीं भी कोई दिक्कत ना आएगी गाड़ी गाड़ी को चलाने में फिर तो गाड़ी एक एक हाथ से मुड़ेगी जैसे यहाँ पर मुड़ रही है कहीं भी ये देखो पीछे जा पहले गियर में लगानी पड़ी रोड खत्म
लैंडस्लाइड हुई है ऊपर से, इसलिए रोड ना आ गया है। रोड यहाँ पर ऑक्सीजन भी बहुत कम है, मतलब फील कर पा रहा हूँ मैं गाड़ी को कि गाड़ी हल्का सा लैग ले जाती है, मतलब जैसे सांस से ले जाती है ना बिना ऑक्सीजन के, जैसे बर्निंग नहीं होगी इसमें अंदर इंजन में, वो हल्का हल्का फील हो रहा है कि हल्का सा सांस मार जाती है कि हाँ जी यहाँ ना है हवा ना पानी। भाई एक बार ना तो मैं खुद उतर के नीचे दिखाता हूँ कि हम आए कैसे, जैसे गाटा लूप्स होते हैं ना उधर बारालाचा होते हुए जब जाते हैं, तो ये देख लो एक बार। अरे मैं इस रोड ओए नीचे उतर के देखे इस रोड से आए भाई, ये क्या है, ये तो अलग ही खतरनाक सीन है भाई। मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वाली चीज, गाटा लूप्स देखे पर ये तो कुछ और ही है, अलग लेवल का खतरनाक चीज दिख ली मैंने। ओए नीचे देखिए एक बार, नीचे देख इस रोड से आए हम, मतलब हाँ मतलब बारालाचा वाली जो वीडियो होती है ना वहाँ की वो देखिए, बाकी एक रोड वो भी है उससे हमें जाने ना दिया, हम इससे आए हैं ऊपर जाना भी तो ना। अभी देखो ये रे जो मैं इसे बता रहा हूँ, ऊपर खम्भे देखे हैं मैंने, मैं जब पता कहा था वहाँ पे था, वहाँ पे देखी थी उस वाली रोड पे, और हम ये वाली रोड क्रॉस करके आए भाई। हाय हाय अपनी शेरनी, अब कोई दिक्कत मान नहीं रही है ना कोई सेंसर की ना कुछ, बाकी अपनी शेरनी इतने ऊपर आ चुकी है। और मैं भी जो कह रहा था, अब यहाँ गाड़ी चला के इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आगे कभी दिक्कत नहीं होने वाली मेरे को। कैसा फील हो रहा है यहाँ के, कभी देखी है ऐसी पहाड़ी है भैया, रोड देखी है जी, आयो कभी चल के कहा, चार बार तो आ गया मैं। अरे 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 बार बताओ अब कहाँ जाना, बताइए कहाँ जाना, कितने किलोमीटर बचा, 212 है। मैं भी नीचे वहाँ पे जब नीचे तो हम ये करते हैं, हम इस पहाड़ को बोलो इतना ऊंचा लग रहा है, देख 212 है ना, एक एक जब जब स्टार्ट करेंगे ना जब ज्यादा हो जाएगा। अरे इतना ही है अभी, देख यही पड़ेगा लामा यूरू स्टार्ट ही है भाई मेरे, एक एक किलोमीटर। हम कहाँ से जा रहे हैं, खलसी से जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, हम निकलेंगे खलसी से, नीमो वाला जो रास्ता है वो वाला रास्ता है, उससे हमें जाने ना दिया जो रोड ही। हाँ अब मैं बता तो रहा हूँ यार, क्या ही चीज है खतरनाक, मतलब और क्या ही दिखाऊं मैं, इससे तगड़ा और कुछ ना दिखाया जाएगा इस गाड़ी के साथ है भाई, मतलब मजा ही आ गया एक्स्ट्रा लेवल, खुशी हो गई है ऐसी चीज देख के ना, मूड जितना भी मूड खराब होगा ना वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी मतलब जो थोड़ा सा लगे ना खराब वो सब। भाई अभी तो चढ़े थे और फिर अब उतरेंगे और फिर दोबारा चढ़ेंगे वहां पे, वो रोड दिखा। ये यहाँ पे चल रहा है अलग ही, यहाँ पे गाटा लूप्स बस थोड़े से ना, यहाँ पे तो पूरे ही पूरे गाटा लूप्स भरे पड़े हैं भैया, तो उतरो चढ़ो उतरो चढ़ो। और जो वो वहां पे पहाड़ दिख रहा था ना जिसकी मैं कह रहा हूँ सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसके पहाड़ के ऊपर कोने पे आके बैठ गए, अब दूसरे पहाड़ ऊंचे लगन लगे, देखो सामने वाले दिख रहे हैं, ये तो ऊंचा अलग ही पहाड़ है वाला, देखो कितनी सारी चोचे चोचे निकल रही है ऊपर, ये जो बर्फ पड़ती होगी ना ये उससे हुए हैं ये, क्योंकि बर्फ भी मतलब पत्थर को काटा है ना भाई। शाबाश शाबाश भाई, मजा एकदम एक नंबर आ रहा है, और जो चीज देखी ना मैंने पूरी जिंदगी में ऐसी चीज ना देखी, मतलब पहाड़ों में तो मैं बहुत बार आया हूँ उत्तराखंड हिमाचल और ये सब, पर ये तो कुछ अलग ही लेवल है, मतलब वो कहते हैं ना कि या तो लद्दाख एक बार आओगे या फिर बार बार आओगे भाई। मैं जहां जहां से क्रॉस करता हुआ जा रहा हूँ ना, एक लेवल आता है कभी कभी के यार गलती आ गए, पर जब एकदम मूड एकदम बढ़िया रहता है ना तो जब वहां से निकलते हैं लोगों से बाय बोल के, तो फिर उनसे क्या करते हो, भाई अपने अभी टाइम लैप एंजॉय किया, कैसा लगा
कमेंट करके बताना। बाकी पिछले एक डेढ़ घंटे से हम यहाँ पे पड़े थे तीनों जने ये बिछा के, और ये एंजॉय कर रहे थे और साथ में अपना व्लॉग अपलोड हुआ। थैंक यू दिस टावर, ये जियो का टावर है और हम लोकल सिम ले आए थे। बाकी तो सब बढ़िया है मस्त। अभी यहाँ से उठाते हैं और यहाँ से गोली चोट निकलते हैं और फिर ऊपर चढ़ना है अभी हमें बहुत। शुरू में जब हम रुके थे कि वहाँ ऊपर बर्फ़ पड़ रही है, वो देखो उस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ी है उधर की तरफ, मतलब अलग ही लेवल के वो चल रहे हैं यहाँ पे। बाकी तो यहाँ पे बता भी रहते हैं आप 10 से 15 दिन बाद और आते ना, वहाँ पे तुम्हें पूरे में बर्फ़ मिलती, मतलब पड़ती हुई तो मिल ही जाती तुम्हें। अभी ऊपर ऊपर पहाड़ों पर देखने को मिलेगी, बस दूर से देख सकते हो। बाकी देखो कितनी सारी बर्फ़ पड़ी है ऊपर, और यहाँ पे अभी जब जहाँ पे हम रुके हुए थे भाई, वहाँ से ऊपर आने में बहुत ही मतलब पूरी जान लगानी पड़ी है इसको, मतलब ऐसे कहने का मतलब ऐसे भी ना कहीं मैं सफ़र किया, मतलब पहले दूसरे गियर में चढ़ी, तीसरे गियर भी लगाया मैंने पर दूसरा और पहला, और जब यहाँ पे ऐसे मोड़ आता है ना एकदम टिफ्ट वाला, वहाँ तो पहले ही लगाना पड़ रहा है वो वाला, मान लो सब चीज इसमें। तो ये भाई ऐसे लग रहा भाई कहाँ जा रहे हो जी? हो बुलंदशहर? बुलंदशहर और भाई, और भाई इधर बुलंदशहर से मनाली, मनाली से ये सिंकुला होते हुए पदुम, हाँ यहाँ ले ले जा रहे हैं पदुम से। बहुत जाते ना क्या रंगदुम की तरफ, बहुत अच्छा रूट है। हमें ये नया वाला जो रूट ओपन इधर से आने की कोशिश करी वो बंद है, पर नीचे से लेकिन जो पदुम वाला रूट है ना, पदुम से रंगदुम वाला बहुत अच्छा है, चलो अगली बार आएंगे उधर से। ठीक है भाई। भाई अभी जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे दो हाई पासिस पड़ेंगे, तो अभी मैं उन हाई पासिस में से एक हाई पासिस पे आ गया हूँ, यानी अपनी स्कॉर्पियो एन को लेकर। अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे, क्योंकि भाई बहुत ऊंचे ऊंचे काटा लूप्स यानी ये रोड्स पड़ी हैं बहुत, मतलब खतरनाक खतरनाक रोड। और अभी मैं आ चुका हूँ सिंगला पास पे, जो कि पड़ता है भाई 13,300 फीट ऊपर, यानी ये पड़ता है भाई जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैं अगर मेरी वीडियोज़ देख रहे होगे तो ये पड़ता है हाँ, जब हम वहाँ से आते हैं पदुम से ले के लिए निकलते हैं, तो ये एक और पास पड़ेगा आगे, पता नहीं लाग चुंगला कुछ इस तरीके से बता रहे थे, या मतलब जो भी पड़ेगा मैं तुम्हें बताऊँगा आगे वीडियो में। अभी मैं पहुँच चुका हूँ सिंगला पास पे, ठीक है जी। मतलब यहाँ आके मैं दो तीन चीज़ फील कर चुका हूँ, जो कि अभी ऐसा है कि देखो यहाँ पर ना स्नो हुई है तो हल्की हल्की ना आगे गिर रही है, तो गाड़ी पर भी आई थी हमारे, बाकी अभी बंद हो गई है क्योंकि ऊपर पड़ रही है, ये देखो वहाँ पे, ये देखो यहाँ, और जो कि हम जब वहाँ पे नीचे थे तो वहाँ पे उधर पड़ रहे थे उन पीक्स पे, ये देखो ये भी अचीवमेंट डन हो गया फिर दस का, और ये जानसकार से अब हम ले पहुँच जाएंगे और ले बचाए यहाँ से जो कि 3-4 घंटे में। तो भाई अभी हम नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं, जो कि मैंने बताया था आपको कि एक और टॉप पड़ेगा चिंगला के पास, मतलब उसके आगे। तो अभी हम आ चुके हैं सिलसिला टॉप पे, जो कि पड़ता है 15,700, और अपनी गाड़ी ने अचीवमेंट कर ली है और अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब ये रम चुकी है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, अब इसे कोई घाटा नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने रीजनरेशन भी करा ली थी अपनी गाड़ी की, और ये देखो कितनी गंदी हो चुकी है। बाकी सुबह मैंने शीशे वीशे साफ कर लिए थे, फिर भी अभी मतलब ये देखो यहाँ पे पता चलेगा ये रिम इतने ज़्यादा गंदे हो चुके हैं हद से ज़्यादा, मतलब लग ही नहीं रहा कि स्कॉर्पियो एन है ये, पता नहीं कौन सी है। ये सोच रहे हैं कि एक्सोलद आ गई है या, क्योंकि इस पर सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉर्पियो एन। अभी यहाँ पे फोनर से आए थे, पूछ रहे थे कौन सी गाड़ी है, कहाँ कहाँ कैसे जा रहे हो। तो भाई एक शॉर्टकट पड़ा है, अभी इतना कट कम पड़ जाएगा अभी हमें,
दागी पीछे पड़े थे, हमने ध्यान ना दिया, पर इस वाले पर ध्यान दिया एकदम से कि हाँ जी शॉर्टकट है, और इसने कम से कम हमारा ना 200 मीटर बचा दिया। आगे भी है क्या? तो शॉर्टकट लेने में आते टाइम कोई दिक्कत ना, चढ़ते टाइम एक चीज का ख्याल रखना बस, गाड़ी दमदार होनी चाहिए कि गाड़ी में जब आप यूज कर रहे हो ना ये चीजें, तो आपको ज्यादा ना क्लच एंगेज नहीं करनी है, क्योंकि इससे क्या होगी क्लच गर्म होगी, फिर क्लच में दिक्कत होगी, क्लच तो छोड़ ही देनी है, मतलब एक बार पिकअप सा बना के शुरू में इसका सुरूर सा बना के गाड़ी का मैं फिर तो आराम से निकाल दो वो वाली चीज, बाकी ग्राउंड क्लियरेंस जिसकी ज्यादा हो वही चढ़ाओ, बाकी यहाँ पे और कोई तीतर ना बनो वरना नीचे लटक जाओगे फिर वापस, या तो तुम्हें दो ऑप्शन होंगे, या तो गाड़ी से उतर के गाड़ी का बैग गेयर डाल के इसे पीछे छोड़ दो, या फिर कैसे ना कैसे करके बैग ले आना यही हो सके, बाकी रोड फिर से खत्म हो गई है, और अभी भी यहाँ से कम बचा होगा 80-85 किलोमीटर लेह लद्दाख, आज पर फाइनली पहुंच ही जाएंगे लेह, बाद में आएगा ये ऐसे ले जाओ मेरे बन 5-6 किलोमीटर ही तो बैठ जाओ, कोई बात ना, ना कोई दिक्कत ना है, आगे यहाँ रख जाएगा तकलीफ में, आप भी तो लेट ही हो रहे हो, कोई बात ना आ जाएंगे चारों, ये तकिए वगे पीछे डाल दो, कैसा लगा गाना? अच्छा, सबसे इंडी जाट से, क्या बोला? सबसे इंडी जाट से, बोलो जाट से, जाट से, या। You like you with your people? You like? Yes, I like. I like you. तभी तो आए घूमने यहाँ पे. Thank you. Hey. सुनो, एक बात बोलो. यूपी तेरे बुलंदशहर जय हो. यूपी तेरे. लिफ्ट दी थी. बुलंदशहर. जय हो. जय हो. जय हो. टाटा सी यू. हाँ. आपको. बाय. आई. ठीक है ठीक. जी. जय श्री राम के बाद एक बार ओके सुनो जय श्री राम जय श्री राम कोल्ड ड्रिंक पियोगे कोल्ड ड्रिंक पियोगे बाय जय सामा बाय बाय जय श्री राम झूले झूले बाय बाय तो भैया हमने ठीक है बाय तो भाई इनसे बात करके अच्छा लगा वैसे मेरा और सिर में दर्द मेरा एक्स्ट्रा सिर में दर्द हो रहा मेरे अभी पहले हाँ। खत्म हो गया खत्म हो गया अरे अच्छा, अरे अरे सबसे बड़ी बात तुमने देखी जय श्री राम बुलवा दिया हाँ। जाट भी बुलवा दिया पूछो पूछो सब तो एंडी जाट से हां और ओम गायत्री मंत्र पूरा बुलवाया ओम वो लास्ट में वहां अटक गई भूर उसमें ओम भूर भूस्व तत्सवितुर्वरेण्यं यहां दुर्वरेण्यं यहां पे अटक गई पर चलो कोई ना बाकी तो भाई एंजॉय करो यार ग्रीनरी ग्रीनरी देखो ये लद्दाख अरे तेरा वो डायलॉग सही लगा हाँ। गाना कौन सा वो जो गाया मतलब वो काशी भी सजाई है अयोध्या भी सजाई है अयोध्या भी काशी है पर लद्दाख भी सजाएंगे श्री राम की हां भाई मूर्ति लगाएंगे अब लद्दाख सजाएंगे भाई ये लिख क्या रहा है ये तो मेरे को भी ना पता पर ये दोनों कह रहे हैं पीछे बैठ के ये वेलकम टू ले पर पता ना जो भी है और ये जो सामने वाला है श्रीनगर से आता है ये वाला हाईवे अगर हम श्रीनगर की तरफ से आते और अब हम कट जाएंगे इधर की तरफ यानी राइट श्रीनगर ले हाईवे है भाई और हम पहुंच चुके हैं कहाँ पे अगर यहाँ से निकलना हो तो ये देख लेना जब वापस आ रहे हो मतलब ले से तो ये वाला वाला रोड पड़ेगा वाला WANLA और आप इधर की तरफ कट के आप इधर से जा सकते हो यानी पदुम और ये सब होते हुए एक और रास्ता वो नीमो से भी है पर वो उसमें क्या काम चलता है तो वो बता रहे थे वेडनेसडे और संडे है ना संडे बताया ना तो दो दिन ही छोड़ते हैं उस रास्ते से क्योंकि अभी वो बन रहा है क्योंकि बड़ी रोड चौड़ी करी जा रही है बाकी यार रोड तो ये भी शानदार लग रही है खतरनाक अभी ऐसी बिल्कुल तुमने थोड़ी देर पहले देखी भी होगी वीडियो में बाकी तो यार यहाँ पे मतलब इतने सारे फेज हैं भाई किसकी वीडियो बनाऊं किसकी ना बनाऊं ये मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा और अभी भी हमारे जो किलोमीटर बचे हैं वो 100 किलोमीटर बचे हैं और जहां तक मेरे को लग रहा है अब यही वाला हाईवे रहने वाला है चलो तो डीजल भरवा लेते हैं गाड़ी में अपनी में पूरी फुल करा लेते हैं हालांकि
कितने रुपए का आया? 1855 रुपया का है। हम में कमी होगा 21.69 लीटर आया। हाँ यहाँ तो कम है क्या पूछना? नहीं पूछूंगा, रुक जा, डल जान दे, कार्ड वार्ड आ जान दे। चिमचोम बात करने में लग रहा है, देख रहा है नितिन चौधरी व्लॉग्स बात करने में बिजी है। हम अपना व्लॉग बना रहे हैं इनकी जगह, हम कर रहे हैं, हम भी तो देखें कैसे बनते हैं। 3 रुपए लीटर सस्ता है। हाँ भाई पता है हमें, दिख रहा है हमें। हाँ बुलवाओ फालतू। तो नितिन का ये यार दोस्त खड़ा है। झूले जय श्री राम, जय श्री राम। अपनी मनमानी सी कर है, कहना हमें ना हो रहा है स्टार्ट। ये गूगल मैप चला ले मैं कि इसमें देखने को मिल जाएगा ढंग से। अपनी मनमानी सी करके यहाँ पे अब स्टार्ट पे दबा रहे हैं तो ये होता ना है। यहाँ से कम ऐसे बचा है 90 के आसपास, बाकी आज पहुंच जाएंगे ले फाइनली। फाइनली भैया, बहुत मन्नतों के बाद हम लद्दाख पहुंच चुके हैं। फाइनली नहीं, सॉरी, लेह सिटी पहुंच चुके हैं। आगे देखो सिटी इतने दूर से, मतलब अभी दिख रही है, लाइट्स दिख रही होंगी आपको। लकी साहब के पार्टी वार्टी से होगी, चलेगी। ये बूंद सी कहां से आ गई? बारिश पड़ रही है क्या? यस, ठंड लग रही है। है ऐसे क्या हो गया? अब यहाँ तो गर्मी लग रही है। पीछे क्या हो गया? देखो ये छोटू क्या हो गया? लेटा चद्दर ओढ़ के। भाई शाबाश, जब भाई सो जाते हैं ना तो ठंड लगती है। फाइनली होटल मिल गया, अपनी गड्डी पार्क हो गई है यहाँ पे। मतलब एक शॉप सी है और ये होटल है द मोगल, और रूम भी मिल गया है, पेमेंट भी हो गया। बाकी यार बहुत शानदार है, अंदर जाके दिखाएंगे मतलब रूम कैसे मिले और दो दिन के लिए इसके लिए। बाकी इनका डाइनिंग ऐसे भी है, डाइनिंग अंदर भी है, बाकी इसका बर्थडे भी है। कहाँ गया पूरा? तो अभी ऊपर चलते हैं और रूम दिखाते हैं आपको। ऐसा रूम है, मतलब बढ़िया है, मतलब अगर जिसको रुकना हो ना यहाँ पे, और मतलब सस्ते में बहुत अच्छा वो वाली चीज़। ये देखो, अभी तुम इसे देखो, मेरा चेहरा तो दिखते ही रहता है। ये है, दोनों शेर नीचे हैं। ये मतलब कंपार्टमेंट भी है, अगर ये भी लेना चाहते तो ये भी मिल जाता, पर हमने ये ले लिया है। हम इसमें एक्स्ट्रा करेंगे, ये वाला भी लेना पड़ेगा, बाकी देखते हैं। अभी तुम रूम देखो, ये इसकी विंडोज है, मतलब इस तरीके का है ये। तो ये प्यारा सा बेड है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मैट्रेस मिल जाएगी। ये अपना वॉशरूम है, भी आ गए चाउमीन ना नूडल्स। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलो जी, बर्थडे मना के आ गए और दिन दिन दिनांक करके आ गए भाई। हमें लकी किसने लगाया केक? गाल पे केक किसने लगाए थे? नहीं, गाल पे केक किसने लगाए थे? लगाया था अभी आ गया, अभी आके कराए तो सिस्टम। तो चलो जी, ब्लॉग को करते हैं बैंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड कमेंट, एंड फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तब तक के लिए बाय।